हेलो, क्या हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा व्लॉग आप सबके लिए। इसमें हुआ क्या था कि कल हम घूमने गए हुए थे, मैं था, मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स और थे। तो हम वापस आ रहे थे जब घर की तरफ ना, तो हमें रास्ते में बहुत बुरी कंडीशन में रॉटवाइलर मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको पाल कर छोड़ दिया था, या फिर वो अग्रेसिव था, कुछ भी लगा लीजिए, किसी की कोई मजबूरी हो सकती है या किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया। तो वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे ना वो मरने की कंडीशन में हो। तो हमने सोचा कि हम इसका रेस्क्यू करते हैं, तो हमने उसे पकड़ने की कोशिश की है। वो एक दो बार हमें घुराया भी, फिर हम थोड़ा पीछे भी हटे उससे। तो क्या हुआ, एंड में हम उसके लिए बिस्किट्स वगैरह लेके आए, हमने उसे बिस्किट्स दिए। तो बिस्किट्स वो ऐसे खा रहा था कि जैसे उसे कई महीनों से कुछ खाने को ही ना मिला हो, बहुत बुरी कंडीशन में था बेचारा वो। तो हमने कुछ ना कुछ करके उसे पकड़ा और उसे हमने अपनी गाड़ी में डाला। फिर उसे हम अपने घर लेके आए और उसे खाने पीने को दिया, उसे दूध पिलाया, फीड वगैरह दी। तो और फिर मेरे ना फ्रेंड है यहाँ पे रमिता, तो वो बहुत अच्छा पेट केयर है, बहुत अच्छी तरह से केयर करता है वो पेट्स की अपने भी। तो वो उन्हें मैंने उन्हें बुलाया कि आप एक बार आओ देखो इसे कि क्या है क्या नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो इसे इंजेक्शन वगैरह दें। तो आए वो देखने के लिए मेरे पास, तो वो कहने लगे कि गौरव इसे मैं अडॉप्ट कर लूँगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ले जाइए इसे। तो फिर वो मैंने उन्हें दे दिया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको उसकी रॉट की वीडियोस, जो हमने कल उसे किस तरह से पकड़ा, उसे गाड़ी में बिठाया, घर लेके आए। डरते डरते हुए, हमें बहुत ज़्यादा डर था उसका कहीं वो काट ना ले, और वो अग्रेसिव भी था। उसे जैसे हम हाथ लगाने की कोशिश करते थे तो वो हमें कई बार घुरा भी देता था, और बहुत मतलब कि मुश्किल से डर डर के उसे हमने पकड़ा और बांधा उसे घर पे। जब मैंने उसे दूध भी डाला तो दूध पीते पीते वो मेरी तरफ घूर घूर कर रहा था, तो मैं बहुत ही डर गया था उससे कि कहीं ये काट ना ले। तो फिर रमी बोलने लगा कि मैं इसे अपने आप हैंडल कर लूँगा, तो वो मैंने अपने फ्रेंड रमी को दे दिया। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हैं, मैं आपको रॉट वाले की वीडियो दिखाता हूँ। बढ़िया कुत्ता है, ये सुता रहा है। मेरे पास दो बड़ा फिर फ्रेंड गया है मेरा, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जा रहा है। हमें थोड़ा इससे डर भी लग रहा है लेने के लिए खाने का, हमें थोड़ा इससे डर भी लग रहा है कहीं हमें काट ना ले। देखते हैं आगे आगे क्या होगा, इसपे हम एक और ब्लॉक बना के डालें। बढ़िया कुत्ता है, ये सुता रहा था। हाँ मेरे पास दो बड़ा पहुंच गए हैं घर इसे लेके। देखिए आप इसको बेचारे को किसी ने खाना भी नहीं खिलाया हुआ है। बहुत भूखा है बेचारा, है ना, कहीं ना लगता है ना, कहीं ना तो कुछ नहीं मिला है काम में। लस्सी भाई है ना, तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको व्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग मैं बहुत ही अच्छा लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास एक लेब्राडोर बिच है जो मैंने अपने घर पे रखी हुई है, जिसका नाम है मफिन्स। तो लास्ट 25 दिसंबर को उसने पपीज दिए थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा छोटे छोटे लेब्राडोर के पपीज और उनकी कैसे केयर करते हैं, उनका खाना पीना जो भी है।
तो मैं आप सबको व्लॉग दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।